हेलो बच्चों, तो आज अपनी थोड़ी क्लास 10 मिनट लेट हो गई है ना। तो अब स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। कल पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो है अपनी क्लास हुई थी, जिसमें कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक डिफरेंस बताया था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता है, वो ग्राफ वाले सेक्शन में भी हमने एक क्वेश्चन में को लिया था, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर में। डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती है, हमेशा इंक्रीज ही करती है। नेक्स्ट बात जो है, डिस्टेंस जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके वजह से हम कह सकते हैं इंक्रीज भी करेगी, डिक्रीज भी करेगी, निगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हर तरह की चीज़ लागू हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस में एक बार जब डिस्टेंस आपका एक बार इंक्रीज़ कर गया तो कभी वो वापस से डिक्रीज़ नहीं करेगा। या हमने बेसिक एग्जांपल बताया था, जैसे आप कार को शोरूम से बाहर निकालेंगे तो जीरो से आप स्टार्ट करेंगे, 10 दिन कार आपके घर में स्टे भी किया रहेगा, तब आगे जितना मीटर आपका रीड कर चुका है कि इतना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, उसके बाद आगे का रीडिंग करेगा अगर आप कार को आगे चलाते हैं तो, ठीक है ना। तो कार, बाइक और स्कूटी, इन सब में जो भी मीटर दिया रहता है, किलोमीटर शो करता है, वो क्या कहलाता है दोस्त? डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसके बाद हम लोग स्पीड पे भी चलेंगे आज। तो देख दोस्त, कन्वर्जन ऑफ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, अगर ये एस वेक्टर से मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, अगर ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है दोस्त। डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस को डी से शॉर्ट में, और एस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट। तो हेडिंग दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ करना है, तो ये दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं अगला क्वेश्चन भी आपको एक ही साथ समझाऊँ, अगर दोस्त ये डिस्प्ले, तब तक आप सोचो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, यहाँ से अपने को कन्वर्ट करना है वापस से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है। उसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, पहले इंच को समझते हैं। तो दोस्त एक बात तो तय है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है ना। ज़्यादातर आप ना कुछ सोचते नहीं हो, आपको बस इस तरीके से अंदाज पे ग्राफ बनाते हो, गलत बात है। ग्राफ में अंदाज पे क्या बनाते हो कि सर ये कर्व होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, या स्ट्रेट लाइन होगा तो ये कर्व होगा। पहले आप सवाल तो समझो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है और आपको डिस्टेंस टाइम बनाना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने यही आपको बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है ना डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इंक्रीज़ कर गया तो डिस्टेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ करेगा, यानी कि ग्राफ वैसा ही होगा आधे सेक्शन तक। डिस्प्लेसमेंट कम तो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कम नहीं हो सकती है। इस तरह से आप यहाँ समझे ऐसा कि एक मिरर है, तो जिस जिस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट घट रहा है उसी हिसाब से डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है, कभी भी डिस्टेंस घट नहीं सकता है। तो आप नीचे वाले सेक्शन का मिरर इमेज बना दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। डिस्टेंस कभी डिक्रीज़ नहीं कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट जहाँ से डिक्रीज़ करेगा वहीं से ऊपर उठा के देंगे, है ना, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जैसा डिक्रीज़ होगा वैसा ही इंक्रीज होगा। मिरर इमेज लेना है, नीचे वाले का ऊपर आप मिरर इमेज ले लो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अंदाज पे ग्राफ दोस्त नहीं बनानी है, ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन है तो कर्व, कर्व होगा तो स्ट्रेट लाइन, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। अब रही बात नेक्स्ट, आप देखो यहाँ पे अगेन इंक्रीज़ कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ से देखो, डिस्प्लेसमेंट तो घट सकता है लेकिन ये घट नहीं सकता है। जब ये घट नहीं सकता है तो इसको आप समझो कि यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है ना, और इसी का इमेज ऊपर की तरफ हम बना देंगे तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको, है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन, और सिर्फ इतनी सी बात है कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है और निगेटिव भी नहीं हो सकता है, उस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगले पार्ट इसमें चलते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन में आपको इस पर प्रैक्टिस कराऊँ तो क्या दे सकता हूँ। सपोज मेरे दोस्त ऐसा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, अगर ये जो है इस तरह का ग्राफ हो, ये वाला सेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो आपको कन्वर्ट करना है कि इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, एस वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट।
कैसे बनाओगे? इंक्रीज़ कर रहा है डिस्प्लेसमेंट तो ये भी इंक्रीज़ करेगा। कांस्टेंट हो सकता है तो हाँ हो सकता है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो सकता है। जब तक आप क्लास में बैठे हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तब तक आप एक जगह बैठ के स्टडी कर रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपका क्या है? फिक्स है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हो, तो वो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट घट तो सकती है, सही बात है, लेकिन डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता है। तो जहाँ से ये नीचे आना शुरू किया, वहीं से आप उसको ऊपर ले जाओ। देखो इस तरीके से बहुत आसानी से ग्राफ बन गया, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर सपोज मान लो दोस्त, ग्राफ ऐसा दिया रहेगा, ये निगेटिव है और देखो ये भी निगेटिव, आगे नीचे खींच दिए, ठीक है ना? तो फिर से वापस से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, इंक्रीज़ कर रहा है तो ये इंक्रीज़ करेगा, कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज़ नहीं कर सकता, इनफैक्ट निगेटिव भी नहीं हो सकता। तो ये पूरे की पूरी इमेज जो होगी, जैसे नीचे आया है वैसे का वैसा चला जाएगा। तो दो सेक्शन में एक बरस एक छोटा एक बरस, इस तरीके से, ठीक है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट का मिरर इमेज कर लेंगे। तो इस तरीके से देख लो आप, कितना आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सिर्फ इस बात को लेकर कि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज़ नहीं कर सकता है। आप उससे भी आप ग्राफ बहुत आसानी से आप इसको बना लिए, ठीक है ना? तो यहाँ तक आपका डिस्कशन हो गया हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में हमने काफ़ी किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो जो बच्चे नए हैं वो आप जाके वीडियोस को देखिएगा, ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ से जेई में सवाल ज़्यादा पूछे ही जाते हैं, खासकर मेंस में, ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को लेकर, ठीक है ना? तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी और स्पीड जानने से पहले हम लोग करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना? चलो तो हेडिंग देंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो दोस्त स्पीड जो होती है क्या होता है, अगर नाइन्थ क्लास के डेफिनेशन पे हम जाएंगे तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डेट इज़ कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डेफिनेशन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वन सेकेंड या पर सेकेंड इज नोन एज स्पीड, ठीक है ना? जैसे समझने के लिए स्पीड आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब होता है दोस्त एक सेकेंड में वो कितना चल रहा है, वो 10 मीटर, अगले एक सेकेंड में भी वो कितना चलेगा, 10 मीटर। यूनिट से ही आपको समझ में आ जाएगा, अगले एक सेकेंड में भी चल रहा है 10 मीटर। अगर स्पीड जो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक एक सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, डेट इज़ कॉल्ड स्पीड। हर एक सेकेंड में उसका फिक्स है 2-2 मीटर चलेगा, डेट इज़ स्पीड 2 पर सेकेंड। इसलिए डेफिनेशन क्या चला जाएगा नाइन्थ क्लास के बेसिस पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वन सेकेंड या पर सेकेंड इज नोन एज स्पीड, ठीक है ना? तो स्पीड का डेफिनेशन जो होगा, अगर आप चाहें नाइन्थ क्लास के बेसिस पे, तो उस पर भी आप लिख सकते हैं, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल पर सेकेंड या इन वन सेकेंड, पर सेकेंड इज़ नोन एज स्पीड, ठीक है ना? अब लेकिन आप जैसे ही आप नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे तब ये हो गई, है ना? और समझने के लिए भी हमने यूनिट से ही आपको समझा दिया कि एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना? अब मेरे दोस्त ऐसा है कि इलेवेंथ क्लास के बेसिस पे आप स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना? ये तो नाइन्थ क्लास के बेसिस पे होगी डेफिनेशन। तो आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, डेट इज स्पीड इज इक्वल टू, रेट मतलब होता है दोस्त d/dt। रेट जब भी कोई बात करेगा, है ना, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ जो भी है ना, मोमेंटम कह दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कह दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर कह दिया, तो रेट का मतलब पूरी फिजिक्स में आप ध्यान रखेंगे d/dt। किसका रेट दोस्त, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस आप यहाँ पे लिख देंगे, x लिखना है तो x ले दो, ठीक है ना? जहाँ x क्या है, डिस्टेंस है, dx/dt कर दिए, ठीक है ना? अब इसका क्या मतलब होता है, तो जब नाइन्थ क्लास में ये तो डिफरेंशिएशन वाली हो गई कि डिस्टेंस दिया रहेगा उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे पर सेकेंड, जैसे हम लोग आपको समझाऊँ कि 2 मीटर पर सेकेंड हो गई,
है ना, आप ऐसे भी कह सकते हो स्पीड को, ठीक है ना, 1 मीटर पर हाफ सेकेंड। तो डी टी जो हो गया, अब पहले 1 सेकेंड हम लोग लेते थे 9th क्लास के बेसिस पे, और समझ में भी आता था 1 मीटर पर हाफ सेकेंड, तो बात तो वही हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। आप इस ई को क्या लिख सकते हो दोस्त, इसी वी को आप लिख सकते हो, ठीक है ना, 1 मीटर पर 1/3 सेकेंड। उसी तरीके से इसी को आप लिख सकते हो, वन है ना, 1 मीटर/1/4 सेकेंड। यानी कि आप डी टी क्या होता है, स्मॉल चेंज इन टाइम, डी टी आप कुछ भी रख सकते हो इसमें। डी टी 9th क्लास में हम लोग डिफ्रेंसिएशन नहीं जानते थे, डी टी का मतलब नहीं समझते थे, तो इसलिए पर सेकेंड के हिसाब से हमारा डेफिनेशन दे दिया जाता था। लेकिन आप सोचो कि जब रेट की बात कर रहा है तो डी टी क्या होता है, स्मॉल डी टी, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो स्मॉल चेंज इन टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड का भी इंटरवल ले सकते हैं, हाफ सेकेंड का भी इंटरवल ले सकते हैं, 1/3 सेकेंड का भी इंटरवल ले सकते हैं, 1/4 सेकेंड का भी ले, और सबका आंसर वही हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 1/3, अच्छा यहाँ पे चेंज ये क्या कर लोगे, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अब इसको 2 के बराबर लानी है ना दोस्त, ठीक है ना, तो ये आप ऐसे कह दो 2/3, यहाँ पे चेंज कर लेंगे 2/3 मीटर पर 1/3 सेकेंड, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वापस से 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसी तरीके से 1/2, ठीक है ना, पर 1/4 सेकेंड, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ½ मीटर पर 1/4 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स भी जो स्मॉल लेना होगा, ये डी टी आपने स्मॉल कर लिया तो एक्स भी छोटा करो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पर सेकेंड एक ही सेकेंड के हिसाब से 9th के बेसिस पे आप दोगे, ठीक है ना। तो 2 मीटर पर सेकेंड को आप देख सकते हो कितने तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग छोटे छोटे इंटरवल में भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन बनाया गया था। तो 11th क्लास के बेसिस पे आप कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज स्पीड, ठीक है ना। और आम भाषा में आप समझिए कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसी को स्पीड बोलेंगे। अब स्पीड में भी अब कई तरह की स्पीड आती है, एक तो बोलेगा स्पीड, एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी टाइम पे स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी टाइम पे स्पीड, और एक होता है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, स्पीड बोले या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, दोनों बात सेम होता है, ठीक है ना। स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटिन, है ना, किसी इंस्टेंट पे स्पीड, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है किसी इंस्टेंट पे। और स्पीड क्या होता है मेरे दोस्त, स्केलर क्वांटिटी होती है। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, जबकि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो स्पीड आपका जो होगा दोस्त क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड कम हो सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल कम हो सकता है। कैसे, आप कभी ट्रैवल करते हो तो आप ज़्यादा हाई स्पीड से बाइक या कार चला रहे हो, तो बगल में जो सीनियर होते हैं, वो आपके मम्मी पापा होते हैं, वो आपको कहेंगे कि स्लो करो, धीरे करो, स्पीड कम करो, है ना। तो सही बात है, स्पीड कम कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, स्पीड कम करने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस को कम कर सकते हो, 1 सेकेंड रहने दो। हर 1 सेकेंड में पहले आप 10 मीटर चल रहे थे, स्पीड कम हो गई तो अब 8 मीटर पर सेकेंड चलोगे, और स्पीड कम करोगे तो 6 मीटर पर सेकेंड चलोगे, और कम करोगे तो 4 3 2 1, इस तरीके से आप कर सकते हो। यानी कि स्पीड क्या होता है, डिक्रीज कर सकता है, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता है, डिस्टेंस एक अलग चीज़ है। स्पीड में डिस्टेंस और टाइम दोनों का रोल है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस घट सकता है, वो बात सही है, सॉरी डिस्टेंस घट नहीं सकता है, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस पर सेकेंड जो है वो घट सकता है, ठीक है ना। 1 सेकेंड में डिस्टेंस आप कम चलने लगोगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता। इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कराया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो नेक्स्ट स्पीड वाले सेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, स्पीड में, है ना, मे इंक्रीज और डिक्रीज, स्पीड जो होती है मे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। स्पीड निगेटिव हो सकता है क्या, तो नेवर, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड आप जीरो कर सकते हो लेकिन निगेटिव में नहीं ले जा सकते, जबकि वेलोसिटी निगेटिव में ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 1D मोशन में पत्थर को आप ऊपर फेंकते हो, तो जाते समय आप वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हो और आते समय वेलोसिटी क्या लेते हो, निगेटिव, क्योंकि आप वेलोसिटी वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर में निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर है बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, तो एक लाइन और लिख लेंगे, स्पीड नेवर बी निगेटिव,
स्पीड, और इसी को ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं, नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, बट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। क्लियर? तो इतनी बातें आपको स्पीड में जानना है, इसके बाद हम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा दोस्त, डिस्टेंस के हट करके आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, डेट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है ना, ये नाइन्थ क्लास के बेसिस पे हो गई। अब यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसको भी समझ ही लेते हैं वेलोसिटी को, फिर साथ में क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये छोटे छोटे इंटरवल के लिए वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हमने समझाया था आपको। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या हो सकता है? ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पर सेकेंड, ठीक है ना, इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल, या है ना, ट्रेवल बाय पार्टिकल पर सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये हम लोग नाइन्थ क्लास पे बेसिस पे हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, वहाँ डिस्टेंस के जगह आ गया दोस्त, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोला जाएगा। ठीक है, अब रही बात, तो अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम यहीं पे लिख दें 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये 10 मीटर डिस्टेंस नहीं रहा, अब ये 10 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है ना, तो यही है, एक सेकेंड में ये वापस से ये 10 मीटर डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, पिछले वाले में डिस्टेंस हम बात करेंगे, दोनों में अंतर होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में, तो ये पर सेकेंड 10-10 मीटर डिस्प्लेसमेंट चलेगा। क्लियर है, चाहे 2 मीटर पर सेकेंड हो तो पर सेकेंड 2-2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, अब जो है वेलोसिटी क्या होता है दोस्त, है ना, वेलोसिटी का दूसरा डेफिनेशन हम लोग कर देते हैं, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेट इज़ वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं रेट, मतलब डी अपॉन डी टी, राइट, टाइम के रिस्पेक्ट में रेट जो होता है डी अपॉन डी टी हो जाएगा आपका, किसका रेट, डिस्प्लेसमेंट का, इज नोन एज वेलोसिटी डी टी। अब उसी तरीके से आप कितना भी इंटरवल छोटा ले सकते हैं, तो पहले डेफिनेशन कंप्लीट करें, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्त 11th क्लास के बेसिस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब जैसे दोस्त वेलोसिटी हमने फिर से समझाऊँ आपको 2 मीटर पर सेकेंड है, अब आप इसको डी टी, है ना, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मीटर पर सेकेंड को, 1 मीटर पर हाफ सेकेंड, देखो डी टी छोटा कर दिए, पर हाफ सेकेंड दोस्त, तो भी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को हटा के 2/3 इतना मीटर पर 1/3 सेकेंड लिख सकते हो, यानी कि टाइम भी छोटा हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी छोटा कर दिए। ठीक है ना, तो इस जैसे हमने आपको स्पीड से समझाया था, क्योंकि दोस्त ds जितना छोटा कर सकते हो आपके ऊपर है, dt जितना छोटा कर सकते हो आपके ऊपर है। ठीक है ना, तभी जाके डिफ्रेंशिएशन में कहीं आविष्कार हुआ था कि जिसमें कि स्मॉल चेंज में भी हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकें, और इसमें जो है नाइन्थ क्लास में हमें डिफरेंशिएशन नहीं पढ़नी थी, तो हमें सिंपल डेफिनेशन बता दिया गया था कि एक सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट चलना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, एक सेकेंड के बदले आप हाफ सेकेंड भी लिख सकते हो, 1/3 सेकेंड भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। क्लियर हुआ? ठीक है ना, अब वेलोसिटी क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वेलोसिटी एक दोस्त वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वो इट में भी, ठीक है ना, निगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। ठीक है, इट में भी वेलोसिटी जो होता है, इट में भी ज़ीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव, जबकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, इट में इंक्रीज डिक्रीज, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज का साइन ऊपर की तरफ दे दिया, डिक्रीज का साइन, ठीक है ना, और अगेन वेलोसिटी बोलेगा या किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बोलेगा, वो बात सेम ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्त, अगर सपोज मान लो दोस्त डिस्प्लेसमेंट आपका दे दिया है ना 2t² + 3t + 1, तो कहेगा कि वेलोसिटी बताओ एट t = 2 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी पूछ लिया पार्टिकल की, तो वेलोसिटी का क्या है, t = 2 सेकेंड, तो ये कौन सा स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी दोस्त,
इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, इस वेलोसिटी हो जाएगी, किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो आपका जो डेफिनेशन है वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक चीज़ याद है हमें, डी एस अपॉन डी टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन टू टी स्क्वायर का टू टी हो जाएगा, है ना, टी टी का वन हो जाएगा। तो ये मेरे दोस्त कितना आ गया, 40+3। अब कह रहा है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसमें वैल्यू रख दो और ये आंसर पाओ, है ना, 11 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ऐसे सवाल अगर आप डिफ्रेंशिएट करके डिस्प्लेसमेंट को बताते हो तो वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगा। एवरेज एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक आप समझ गए, वेलोसिटी एंड स्पीड में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, खासकर ये, ठीक है ना। अब इस पर मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाया था आपको फर्स्ट क्लास में, उसी तरीके से इसमें भी आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, तो और भी क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अगर सपोज मान लो स्पीड यहाँ पे वी लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ इज करेक्ट, स्पीड टाइम ग्राफ इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज करेक्ट। सपोज मान लो दोस्त ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया आपके पास, ये v जहाँ पे स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपका जो है ग्राफ जो है ऐसा दे दिया, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है स्पीड टाइम ग्राफ आपका दे दिया इस तरीके का, नेक्स्ट जो है आपका स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ आपका जो है कुछ इस तरीके का दे दिया, ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। उसी तरीके से अगर फिफ्थ ऑप्शन में आपके लिए बनाऊँ, स्पीड एंड टाइम, वी जहाँ है स्पीड है, इस पर वेक्टर ने लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। सिक्स में देख लेते हैं, ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। सेवेंथ में देख लेते हैं हम लोग, ये स्पीड एंड टाइम के बीच में ग्राफ है दोस्त। एट में देख लेते हैं, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है। नाइन्थ में स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है। टेन में स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है। इलेवेंथ में कुछ इस तरीके का ग्राफ है स्पीड एंड टाइम में। ट्वेल्थ में स्पीड एंड टाइम इस तरीके से ग्राफ है। थर्टीन्थ भी आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जैसे चलना चाहो, ये स्पीड एंड टाइम ग्राफ है। तो इनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ जो है ना स्पीड टाइम का अगर करेक्ट है, जैसे कि हमने डिस्टेंस में बताया अभी था। तो देखो, पहले तो आप ड्रॉ कर लेंगे, कुछ सेकंड दे रहे हैं, या तो फिर आप खुद सोच लो कि इनमें से कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है, इसके बारे में आप चर्चा कर लो पहले अपने मन में, आपके अनुसार से कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद मैं डिस्कस करने बैठूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वी जो है स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड के बारे में हम जानते हैं, स्पीड क्या होती है दोस्त, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे हिसाब से सही है, स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर। डिस्टेंस क्या होती है, सिर्फ इंक्रीज करती है, तो ये डिक्रीज नहीं कर सकती कौन, डिस्टेंस। तो अगर यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये गलत हो जाता, चलो इसी बहाने एक रिवीजन भी हो गई आपकी, लेकिन स्पीड घट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखें, स्पीड बढ़ रही है और फिर स्पीड कांस्टेंट हो गई, सही बात है, ऐसा हो सकता है हम लोग स्पीड बढ़ा के कार का और फिर फिक्स कर दें, तो ये भी चलेगा। ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, टाइम ही रुक गया, टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, स्पीड ही अगर बढ़ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है ना। इस वाले सेक्शन में ठीक है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो गई तो चलेगा, लेकिन इसमें तो एकदम बिल्कुल ग्राफ ही गलत है, क्योंकि एक ही टाइम पे आप इतनी सारी वेलोसिटी कैसे ले सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो, एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी आएगी, चाहे जो आना होना है, या स्पीड भी आएगी तो एक ही स्पीड आएगी, ठीक है। तो टाइम इंक्रीज नहीं कर रहा है, गलत हो गई, यहाँ पे स्पीड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ये सही है, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गलत हो जाएगा, यहाँ तक डिस्टेंस सही रहेगा, डिस्टेंस घट नहीं सकता है, जिसका हम लोग मिरर इमेज ले रहे थे आज के क्लास में, ठीक है।
तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है। फिफ्थ ऑप्शन में आप देख सकते हो फिफ्थ और वन बाय मिस्टेक्स सेमी हो गया था, स्पीड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। सिक्स में आप चलेंगे है ना, तो स्पीड बढ़ रही है घट भी रही है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए सिक्स नंबर ऑप्शन आपके लिए गलत है। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने थ्योरी वाले पार्ट में ही आपको बताया था कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब आते हैं सेवन्थ वाले पार्ट पे। सेवन्थ में स्पीड बढ़ रही है सही बात है, कॉन्स्टेंट है सही बात है, घट रही है सही बात है, लेकिन वापस से निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए सेवन्थ नंबर ऑप्शन गलत है। एट में सब सही है, इंक्रीज कॉन्स्टेंट और डिक्रीज। नाइन्थ में भी ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है घट रही है, तो स्पीड में इंक्रीज एंड डिक्रीज। टेंथ वाले ऑप्शंस मेरे हिसाब से गलत है, स्पीड नीचे की तरफ ग्राफ आ गया है तो पॉसिबल नहीं है। स्पीड समय कभी भी ग्राफ एनालिसिस जीरो से टी की तरफ किया जाता है, समय के साथ स्पीड कम हो रही है बिल्कुल सही है, समय के साथ स्पीड बढ़ रही है बिल्कुल सही है, समय के साथ यहाँ स्पीड कम ऐसे चला जाता है स्पीड कम हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। बस ये बात ध्यान रखिएगा स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर इन्हीं सब के जगह हम लोग स्पीड टाइम के जगह अगर वेलोसिटी टाइम कर दिया होता तो सभी सही हो जाता, बस एक गलत हो गया, एक तो ग्राफी गलत है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि टाइम रुक जाएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि इसी जगह अगर सभी 13 से 14 क्वेश्चन जो हमने आपको ग्राफ बना कर दिया, अगर यही स्पीड को हटाकर मैं वेलोसिटी का ग्राफ दे दूं, वेलोसिटी और टाइम का, तो ये सभी ग्राफ सही हो जाएगा। इनफैक्ट थ्री वाले को छोड़कर बाकी सभी ग्राफ जो है आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, जब पत्थर वापस नीचे आने लगता है तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन बेस्ड होती है, तो वहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ पर निगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर हो गई बात को है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, जब तक आप न्यूमेरिकल करोगे तभी जाके ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बार बार याद आते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आपको बता दिया। अब इसी में एक ग्राफ और भी हम बता सकते हैं आपके लिए कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में। ठीक है ना, चलो एक सेक्शन अगला सेक्शन सीखते हैं हम लोग। तो देखो कन्वर्जन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक देंगे, कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ। जैसे आज ही हम लोग देखे थे डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस बनाए थे, तो डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता था, उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। देखो यहाँ मैंने वी वेक्टर लिख दिया, तो इसका मतलब ये दोस्त क्या है, वेलोसिटी है। ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, अब हमें स्पीड टाइम ग्राफ में बनाना है। वी पे हमने वेक्टर नहीं दिया तो वो स्पीड टाइम ग्राफ हो गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हो गया दोस्त, ठीक है ना। अगर सपोज मान लो यही वेलोसिटी है, ये टाइम है, अगर यही ग्राफ जो है ऐसा दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम ग्राफ में। वी पे हमने वेक्टर नहीं दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से थर्ड में दोस्त ऐसा है कि अगर हमने वी पे वेक्टर दे दिया, यानी कि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ ये इस तरीके का ग्राफ दे दिया आपको, इसमें से कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर साथ में एक्सप्लेन करते हैं इसको दोस्त, है ना। अब पहले तो आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आप सीखेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, कोशिश आपको सबसे पहले अप्रोच आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेलोसिटी यह दिया हुआ है और हम लोग स्पीड टाइम में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। सबसे आसान ग्राफ पूरे फिजिक्स में यही है आपको, खासकर इस टॉपिक में, ठीक है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट से लेकर डिस्टेंस भी आसान था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, घट सकता है, डिस्टेंस नहीं घट सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे आसान ग्राफ है वो यही है, ठीक है। एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, चार ऑप्शन दे देगा और उससे हिसाब से आपको आंसर देनी होती है, ठीक है ना। फिर मैं आपको सचेत करूँगा कि दोस्त ऐसा नहीं होता है कि कर्व है तो स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन है तो कर्व, अंदाज पे आप बनाओगे सब गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सोचो क्या हो सकता है, क्या वेलोसिटी बढ़ सकती है तो स्पीड बढ़ सकती है, हाँ बढ़ सकती है। स्पीड वेलोसिटी घट रही है तो स्पीड भी घट सकती है, हाँ नहीं बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगले सेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है और घट भी रही है तो स्पीड बढ़ सकती है घट सकती है। नीचे वेलोसिटी निगेटिव हो गई, तो वेलोसिटी निगेटिव तो हो सकता है लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है दोस्त। तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, नीचे वाले सेक्शन को ऊपर कर देंगे
तो ये वाला कुछ आपका ग्राफ इस तरीके का बन गया, क्लियर है। सेम वैसा ही थर्ड ऑप्शन में जैसा चल रहा है वैसा चले गए ही, है ना। बस निगेटिव वाले सेक्शन का आप क्या कर लोगे, मिरर इमेज बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज, तो सेम रहेगा इंक्रीज कांस्टेंट और डिक्रीज, निगेटिव नहीं हो सकता है, तो निगेटिव वाले का आप क्या कर लिए, मिरर इमेज बना लिए दोस्त, तो मिरर इमेज बना लेंगे तो ये आपका काम बन जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे कन्वर्ट कर लिए स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, उसी का हम लोग क्या कर लिए, मिरर इमेज ले लिए, क्लियर है यहाँ तक। नोट कर लेंगे, अब इसी में नेक्स्ट पार्ट जो है आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के लेकर, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई वगैरह में, ठीक है ना। तो उसका डिस्कशन अब हम लोग, है ना, टाइम हो जाने की वजह से नेक्स्ट क्लास में अब कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा 10 मिनट लेट ही हो गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ओके।